क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एक्स इफ वाई। वाई एक मैट्रिक्स है 2x2 का, 3, 2, 1, 4 उसके एलिमेंट्स हैं, एंड एक रिलेशन दिया बच्चों 2x + y = 1, 0, -3, 2। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप वाई की वैल्यू को पुट करिए, 3, 2, 1, 4 इक्वल होगा 1, 0, -3, 2 के। ठीक है, 2x, अब इसको बच्चों शिफ्ट करिए, 1, 0, -3, 2, तो 3, 2, 1, 4 ये मैट्रिक्स आपका नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अब ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 में 3, -2, -2 एंड -4 एंड द लास्ट इज -2। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 2 से इधर डिवाइड करेंगे, फिर हमने सिखाया था 1/2 एक स्केलर टर्म है, तो मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट्स पे होगा, तो -1, -2 नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट -1 एंड -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई। एक रिलेशन दिया हुआ है 2x (0x + y) = 1, 2 = 5, 6, 1, 8। ठीक है, इक्वल किसके दिया है, 5, 6, 1, 8। तो सबसे पहला काम 2 से मल्टीप्लाई, तो 2, 6, 0, 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा y, 0, 1, 2 किसके इक्वल है, 5, 6, 1, 8 के। अब ऐड करिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होता है, तो 2 + y, थोड़ा सही से लिख देते हैं, 2 + y, 6 + 0 = 6, 1, 2x + 2 किसके इक्वल चल रहा है, 5, 6, 1, 8। अब ये 2x2 का बोथ साइड है, इसका मतलब है कंपेयर हो सकता है, यस, तो क्या हो जाएगा, 2 + y = 5, तो y = 3, 2x + 2 = 8, तो 2x = 6, देन x की वैल्यू 3। ठीक है, फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी, और एक आपको इक्वेशन दे रखी है इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2x, 2z, 2y × 2t, 3 से करिएगा, 3 - 3 = 0 एंड 6, 9, 15, 12 एंड ये बच्चों हो जाएगा 18। ठीक है, अब ऐड करो, 2x + 3, 2z - 3, 2y + 0 एंड 2t + 6 किसके इक्वल जा रहा है, 9, 15, 12 और 18। कंपेयर करिए, 2x + 3 = 9, तो बच्चों x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3, 2y = 12, तो y की वैल्यू 6, नेक्स्ट 2z - 3 = 15, तो ये हो जाएगा z की वैल्यू बच्चों 9। ठीक है, नेक्स्ट 2t + 6 = 18, तो 12 और t की वैल्यू 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा हुआ है, इफ x 2, 3 एक मैट्रिक्स दी है, y - 1, 1 = 10 एंड 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू, 2x, 3x ये हो जाएगा -5 एंड y = 10 एंड 5, ऐड करिए, तो 2x - y, 3x + 5 किसके इक्वल होगा, 10 एंड 5। कंपेयर करिएगा, 2x - y = 10, ये फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3x + y = 5 ये सेकेंड साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐड करो फर्स्ट में सेकेंड वाली इक्वेशन ऐड करेंगे, तो बच्चों देखिएगा ये अपोजिट साइन है इसलिए ऐड हो रहा है, तो 3x + y = 5, तो y से y कैंसिल विच इज 15, तो x की वैल्यू 3, अब x की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, x की वैल्यू 3, तो ये 6 हो जाएगा,
देन वाई इक्वल माइनस फोर। ठीक है, गिवन है आपको एक इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x, 3y, 3z एंड 3w इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w, 4x प्लस y z प्लस w एंड 3। अब ये सेम ऑर्डर के हैं तो ये ऐड हो सकते हैं, तो x प्लस 4, x प्लस y प्लस 6, z प्लस w माइनस 1, 2w प्लस 3 किसके इक्वल चल रहा है, 3x, 3y, 3z एंड 3w। अब कंपेयर करिएगा, 3x इक्वल x प्लस 4, बच्चों शिफ्ट करिए, 2x इक्वल 4 तो x की वैल्यू 2, 3y इक्वल टू x प्लस y प्लस 6, अब शिफ्ट करिएगा, 2y x प्लस 6, x की वैल्यू यह है आपकी 2, तो 2y इक्वल 8 तो y इक्वल 4। नेक्स्ट 3z, z प्लस w माइनस 1। ठीक है, अब इसमें से तो कुछ पता नहीं है, तो पहले शिफ्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म पे एक इक्वेशन यहीं पर एज्यूम करके छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3w इक्वल 2w प्लस 3 तो w इक्वल 3। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, तो बच्चों w की वैल्यू आपकी है 3, तो विच इज z इक्वल 1। ठीक है, y आ चुका है, x आ गया एंड w एंड z। ओके, इफ एफ एक्स इक्वल, एक आपको 3x3 का मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, और एक प्रूविंग करके लाना है, शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। अब हमने LHS बच्चों कंसीडर करा है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स आपका होगा cos x माइनस sin x 0 एंड sin x cos x 0, 0 0 1, और एफ वाई होगा cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 एंड 0 0 1। रो का मल्टीप्लाई किस पे करेंगे, कॉलम पे, प्रोसेस सिखाया गया है, तो क्या होगा बताइएगा, cos x cos y माइनस sin x एंड sin y, लास्ट वाला 0। नेक्स्ट माइनस cos x sin y एंड sin x cos y एंड 0। अब फर्स्ट रो का थर्ड वाले कॉलम पे 0 0 0। ठीक है, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम पे, तो sin x cos y एंड cos x sin y प्लस 0, sin x sin y cos x cos y प्लस 0। नेक्स्ट 0 0 0, फिर 0 0 0, नेक्स्ट बच्चों 0 3 0 लिख दीजिए, पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, फिर बच्चों 0 0 1। ओके, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, cos x cos y sin x एंड sin y, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, माइनस, तो माइनस जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हमने पहले लिखा sin x और cos y, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y एंड लास्ट में 0। यहाँ पे होगा आपका sin x cos y एंड cos x sin y। यहाँ स्टूडेंट पहले आप लिखिए cos फिर sin, अभी आपको बेनिफिट समझ में आ जाएगा, cos x cos y एंड sin x sin y एंड द लास्ट में 0, फिर बच्चों 0 0 एंड 1। ये बच्चों फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो किसका होता है cos a प्लस b, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये किसका होता है sin a प्लस b का। नेक्स्ट
साइन ए कॉस बी कॉस से साइन बी, तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी जीरो, ये हो जाएगा जीरो जीरो वन। अब आप इसको कंपेयर करिए ओरिजिनल वाले से, ओरिजिनल वाले में जब सभी जगह एक्स था तो क्वेश्चन वालों ने रिजल्ट दिया है एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या हुआ है एक्स के प्लेसेस पर एक्स प्लस वाई आ गया है, तो सीधी सी बात है आपका रिजल्ट अब क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपने क्या लिया था एल एच एस और बच्चों क्या आ गया है आर एच एस। यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दिया, सपोज ये ए है और ये बी है, तो आपको बताना है ए बी नॉट इक्वल बच्चों बी ए। ठीक है, तो आपने अब एल एच एस कंसिडर करा, फाइव माइनस वन सिक्स सेवन, तो ये हो जाएगा टू वन थ्री फोर, रो का मल्टीप्लाई किस पे करेंगे कॉलम पे, तो क्या हो जाएगा टेन माइनस थ्री एंड माइनस फोर, नेक्स्ट ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी एट, तो ये हो जाएगा सेवन वन, ये बच्चों कितना हो जाएगा थर्टी थ्री एंड थर्टी फोर। अब हमने आर एच एस कंसिडर करा, तो क्या है टू वन थ्री फोर फाइव माइनस वन सिक्स सेवन, तो अब हमने रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे किया है, तो टेन प्लस सिक्स नेक्स्ट हो जाएगा माइनस टू प्लस सेवन फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फोर माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी एट, तो सिक्सटीन एंड फाइव थर्टी नाइन, और ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव। आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा ऐसे ही प्रूफ करना है, ये ए है ये बी है, तो ये क्या होगा ए वी नॉट इक्वल बी, तो टेकिंग एल एच एस वन टू थ्री जीरो वन जीरो वन वन जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन वन जीरो जीरो माइनस वन वन टू थ्री एंड फोर, तो बस मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे, तो क्या हो जाएगा माइनस वन जीरो एंड सिक्स, नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट वन माइनस टू प्लस नाइन, नेक्स्ट इज ज़ीरो टू एंड ट्वेल्व, नेक्स्ट होगा ज़ीरो 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 माइनस वन ज़ीरो, नेक्स्ट हो जाएगा ज़ीरो वन एंड ज़ीरो, अब माइनस वन ज़ीरो एंड ज़ीरो फिर वन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो, तो आफ्टर सॉल्विंग फाइव, ये आपका आ रहा है बच्चों एट नेक्स्ट फोर्टी ज़ीरो माइनस वन वन माइनस वन ज़ीरो एंड वन। अब हमने आर एच एस कंसिडर करा है माइनस वन वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन वन टू थ्री एंड फोर, तो ये क्या हो जाएगा आपका वन टू थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो, तो रो का मल्टीप्लाई किस पे करेंगे कॉलम पे, तो माइनस वन फिर बच्चों ज़ीरो ज़ीरो, नेक्स्ट क्या होगा माइनस टू प्लस वन ज़ीरो, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस थ्री एंड ज़ीरो, नेक्स्ट ज़ीरो माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस वन प्लस वन, नेक्स्ट ज़ीरो 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 फिर टू ज़ीरो फोर फोर थ्री फोर, नेक्स्ट हो जाएगा सिक्स ज़ीरो ज़ीरो। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहीं पर कर दे रहे हैं बच्चों, तो कितना आएगा माइनस वन माइनस वन, नेक्स्ट इज माइनस थ्री, अब क्या हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो, नेक्स्ट हो जाएगा सिक्स फोर थ्री सेवन और फोर इलेवन, नेक्स्ट हो जाएगा सिक्स, तो आप लोग मैच कर लीजिए इक्वल की नॉट इक्वल बच्चों नॉट इक्वल, तो यही हमारी प्रूविंग थी एल एच एस नॉट इक्वल स्टूडेंट आर एच एस, यही हमारा एम था। ठीक है, प्रॉब्लम फाइंड ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स इंटू आइडेंटिटी, तो बच्चों पहले फाइंड होगा ए स्क्वायर, क्या होता है ए इंटू ए। ठीक है, तो टू ज़ीरो वन टू वन थ्री वन माइनस वन ज़ीरो, फिर हो जाएगा टू ज़ीरो वन
2, 1, 3, 1, -1, 0 रो का मल्टीप्लाई कॉलम में। चलिए स्टार्ट करिए, 4, 0 and 1 नेक्स्ट होगा 0, 0 और लास्ट में -1 फिर होगा 2, 0 and 0 4, +2 and +3 नेक्स्ट होगा 0, +1 नेक्स्ट -3 2, 3 and 0 2, -2, 0 नेक्स्ट हो जाएगा 0, -1 and 0 नेक्स्ट बच्चों 1, -3, +0 तो आफ्टर सॉल्विंग 5 ये टोटल हो जाएगा बच्चों 9 and 0 नेक्स्ट -1, 2, -2, 5 यहाँ पे बच्चों चल रहा है -1 and -2 तो ए स्क्वायर अब जाके प्रिपेयर हुआ है, जो फाइंड करना है उसको लिख रहे हैं ए स्क्वायर -5a + 6 × आइडेंटिटी ए स्क्वायर की वैल्यू 5, -1, 2 फिर है 9, -2, +5, 0, -1, -2 एंड ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है आपकी 2, 0, 1, 2, 1, 3 and 1, -1, 0 क्वेश्चन आता है सर ए स्क्वायर ए तो निकाल लिया, आइडेंटिटी कैसे आएगा? आपके क्वेश्चन में मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर है वही ऑर्डर आपका आइडेंटिटी का होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सम और डिफरेंस कर रहे हो, सम और डिफरेंस तभी पॉसिबल है जब बच्चों ऑर्डर सेम होते हैं। तो इसका मतलब है ये बच्चों 3/3 का होगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। 5, -1, 2, 9, -2, 5, 0, -1, -2 -5 से मल्टीप्लाई -10, 0, -5, -10, -5, -15, +5 and बच्चों 0 अब 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6 चलिए आगे की कैलकुलेशन करते हैं। 5, -10, +6 तो 5 और 6, 11 10 गया -1, -3 फिर बच्चों हो जाएगा -1, -2, -5, -7 और +6 तो -1, -10, -5, +4 and 4 नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल, एक 3/3 का मैट्रिक्स है, प्रूव दैट a³ - 6a² 7a + 2 × आइडेंटिटी इक्वल नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू ए, ठीक है, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 तो रो का मल्टीप्लाई किस पे करेंगे, कॉलम पे, 1, 0, 4, 0, 0, 0 नेक्स्ट हो जाएगा 2, 0, 6 अब करेंगे मल्टीप्लाई बच्चों 0, 0, 2 ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 0, 4, 0 सारा मामला यहाँ पे कैलकुलेशन का होता है इसलिए थोड़ा सा पेशेंस से करना चाहिए, 0, 2 and 3 नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2, 0, 6, 0, 0, 0 नेक्स्ट होगा 4, 0 and 9 चलिए कैलकुलेशन करिए, 5, 2, 8, 0, 4, 0 यह हो जाएगा 8, 5 and 13 तो अब जाके प्रिपेयर हुआ है ए स्क्वायर, ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब को हमने लिखना सिखाया था, कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए में, ठीक है, ए स्क्वायर यह है बच्चों आपका 5, 0, 8 नेक्स्ट है 2, 4, 5, 8, 0, 13 और ए की वैल्यू है 1, 0, 2
021 एंड 203। रो का मल्टीप्लाई किस पे होगा? कॉलम पे, तो 5016। फिर हो जाएगा आपका 000। नेक्स्ट 10024। रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे, तो 2010। 080 4 4 एंड 15। 4 4 एंड बच्चों 15। नेक्स्ट 8 0 प्लस 26। नेक्स्ट होगा 000 16 0 39। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 21 0 34, 12 8 और 23 34 0, 16 प्लस 39, बच्चों कितना आ जाएगा? 55। अब हम लोग a क्यूब और a स्क्वायर की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग ने LHS बच्चों कंसीडर करा है। a क्यूब ऑलरेडी हमारे सामने दिख रहा है, 21 0 34 12 8 23 34 0 एंड 55। अब रखेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर भी यही दिख रहा है सामने, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। नेक्स्ट a की वैल्यू, तो a की वैल्यू भी बच्चों आपको सामने ही दिख रही होगी, बट ये थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिएगा ये a की वैल्यू रखी हुई है, तो कितनी है? 102 021 203। अब मेन बच्चों रखना आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी रखेंगे 3/3। अभी आपको समझाया था सम और डिफरेंस तभी पॉसिबल है जब बच्चों ऑर्डर सेम होता है, तो 010001। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। 21 0 34 12 8 23 34 0 55, माइनस 6 से मल्टीप्लाई, तो 30 0 8 6 48 12 24 6 5 30 48 0 एंड 7 से मल्टीप्लाई बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका? 7 0 14 0 14 7 14 0 एंड 21। 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। चलिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 21 7 और 2, ये आपके हो गए 30, और माइनस 30 से कैंसिल, 0 ये तो सभी में 0 है, 34 एंड 14 ये होता है 48, कैंसिल आउट 0। चलो फर्स्ट रो तो 0 आ गई, 12 से 12 कैंसिल 0, 8 और 2 बच्चों होता है 10, और 10 और 14 24, और माइनस 24 से कैंसिल, 23 7 बच्चों प्लस 30 और ये माइनस 30 0, 34 एंड 14 ये आपके कितने हो गए? 48 और माइनस 48 0 0 0, 55 21 2 78 और बच्चों माइनस 78 0, विच इज नल मैट्रिक्स, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए 3 - 2 4 - 2 एंड आइडेंटिटी 1 0 0 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट ए स्क्वायर, अब मेन बात पे बच्चों आते हैं, ए स्क्वायर के ए माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी। तो पहले तो फाइंड करना होगा ए स्क्वायर, 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे, तो 9 - 8 ये हो जाएगा आपका -6 + 4। नेक्स्ट 12 - 8 - 8 + 4 1, -2 4 एंड -4, तो ये जाके प्रिपेयर हुआ है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के ए माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 - 2 4 - 4, ए की वैल्यू 3 - 2 4 - 2, और आइडेंटिटी 1 0 0 1, के से मल्टीप्लाई
तो 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k, तो ये हो जाएगा माइनस 2, 0, माइनस 2, तो 3k माइनस 2k, नेक्स्ट 4k माइनस 2k माइनस 2, तो 1 माइनस 2, 4 माइनस 2। फर्स्ट को कंपेयर करिए फर्स्ट एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल 3k, k की वैल्यू 1, यूनिक आनी चाहिए, अगर मोर देन 1 आ रही है तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो, ठीक है। तो माइनस 2k, बच्चों k यहाँ भी 1 आ रहा है, 4 इक्वल 4k, तो k इज 1, माइनस 2k माइनस 2, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 1। तो चारों ही केसेस में k की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब है k यूनिक